जय हिंद। सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम प्रतिवर्ष रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक गणतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन। हमारे देश का संविधान तो लागू हो गया, तो संविधान में आज भी कई कमी। रैप होना शायद अब हमारे देश में आम बात हो गई है। आए दिन मामले सामने आते हैं, लेकिन प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठाता। भोपाल में 13 साल की बच्ची के साथ रैप का मामला सामने आया, जिसमें 9 लोगों ने उसे 4 दिन तक प्रताड़ित किया। घिन आती है ऐसे समाज पर दरिद्रगी करते वक्त। 9 साल 11 साल 13 साल की बच्चों पर बिल्कुल तरस नहीं आता। कहाँ कमी रहेगी हमारे देश के संविधान में? मोदी सरकार रातों रात कई कानून बना सकती है, फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। क्या हमारे देश का संविधान इतना कमजोर है कि हमारे देश की माँ बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता? अरे हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान जैसे देशों में इससे बेहतर कानून है, हमसे बेहतर कानून है। इस मामले में कमी किसी में नहीं, कमी हम है। जब तक हम घटना हमारे घर में घटित नहीं होती, तब तक कोई नहीं बोलता। अब तो पार्टी में रांची देकर आवाज उठने लगी है, वाह मेरे आजाद भारत, आपकी तो कुछ बात ही निराली है। ऐसी भाई आप ऐसे गरीबों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऐसे जानवरों को बीच सड़क पे पब्लिक के सामने फांसी पे लटका देना चाहिए। बच्चे भी यही बात कह रहे हैं कि नया कानून बनना चाहिए मोदी जी। और तब जाके ऐसा घिनौना काम करने से पहले कोई और हजार बार सोचेगा कि हाँ उसको फांसी हुई है, सबके सामने उसका क्या हालत हुआ था, ये ऐसा हमारा होगा तो ऐसा कानून बनेगा। मोदी जी से रिक्वेस्ट कर 44 लोगों ने रेप किया है, 17 साल की बच्ची के साथ 44 लोगों ने रेप किया है। उस बच्ची की कहानी, उस बच्ची की दर्द सुन के मेरी रूह कांप गई, मेरा दिल टूट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि इंसानियत मर गई है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि अगर किसी एक की भी नीयत बदल जाती है आज, तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। दोस्तों कमी कहां आ रही है? ये इतने रेप्स हो रहे हैं क्योंकि ये जो रूट है, जो जड़ें हैं, वो जड़ें ही सड़ी हुई हैं। लोगों की जो मानसिकता है, जो सोच है, जो विचार है, वही भ्रष्ट हो चुके हैं। आज भी रेप होता है तो इंडिया में करोड़ों लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं? मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं। प्लीज एंड तक देखना कि ऐसी घटिया सोच के लोग आज भी हैं हमारे देश में। ये भेड़िए छुप के बैठे हैं इंसान के भेष में। इनकी परवरिश गंदी, नियत गंदी और सोच में खोट है। ये धरती पे बोझ और समाज के लिए कैंसर रोग है। बताता हूँ कमी कहाँ है, सुनो। कमी है मोरल वैल्यूज में, नियत में, कमी है संस्कार की। एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकते, तुम्हारी सारी एजुकेशन है बेकार की। रेप बहुत बड़ा पाप है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, इस जन्म नहीं किसी और जन्म में निश्चित ही। उसकी मर्जी के बिना तुमने उसे छुआ, किसने दिया था ये अधिकार? तुम्हारी जिंदगी पर लानत और पूरी कायनात का है धिक्कार। तुम्हारा पत्थर दिल नहीं पसीजा सुन के उसके दर्द को। तुम्हारा पत्थर दिल नहीं पसीजा सुन के उसके दर्द को। तुम्हारा बाप थूकता है तुम पे, तुम सबसे बड़े नामर्द हो। वो मर गई, कैंडल मार्च हुआ, अब रात हुई और दुनिया सो गई। वो मर गई, कैंडल मार्च हुआ, रात हुई और दुनिया सो गई। उसकी माँ तारों को देख के रोई, क्योंकि उसकी लाडो तारों में ही खो गई। अच्छी जिंदगी थी, बड़े सपने थे, बेटी से घर भरा था। लुट गया संसार, उसका बाप बिस्तर पे अधमरा था। अब देख के ये दृश्य और सोच तू कितना बड़ा दरिंदा है। तेरी वजह से आज हर किसी के अंदर का इंसान शर्मिंदा है। कम कपड़े ज्यादा कपड़े, लड़की शहर की हो या गांव की, उसकी इज्जत करनी है जरूरी। जरूरत है सोच में बदलाव की। औरत के दिल में उतर, अगर उसने तुझे दिल से चाहा तो तेरी जीत वहां है। औरत के दिल में उतर, अगर उसने तुझे दिल से चाहा तो तेरी जीत वहां है। एक आखिरी बात समझ ले, देखना और ये वीडियो शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि किसी एक की भी अगर आज नियत बदल जाती है तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी यार, क्योंकि इंसानियत पे सबसे बड़ा कलंक है ये रेप। ये जो भी हम सुनते हैं, किसी का घर लूट जाता है, एक माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वो जिंदगी में किसी बड़े मुकाम पे जाए, कुछ हासिल करे, लेकिन ये वहशी दरिंदे, ये गंवार लोग उसके सपनों को मार देते हैं, उस माँ बाप की परवरिश को मार देते हैं, उस माँ बाप की मेहनत को मार देते हैं, उनके अरमानों को, उनकी जिंदगी को मार देते हैं अपनी छोटी सी हवस के लिए। दोस्तों ये मैसेज बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचना,
हम अपने स्तर पर जो कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम वीडियोस बना सकते हैं, हम लोगों तक ये मैसेज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम सब भी किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं। दुनिया का हर इंसान, हर मर्द गलत नहीं है, सारे लड़के गलत नहीं है। ये मैसेज उन लड़कों के लिए है जिनके अंदर कहीं ना कहीं एक रेपिस्ट पलता है, क्योंकि ये एक विचारधारा है, इस विचारधारा को बदलना बहुत जरूरी है। जय हिंद साथियों, गणतंत्र दिवस विशेष अवसर पर एजुकेशन हेल्प सोसाइटी के युवाओं की टीम देश भर में बढ़ रहे बलात्कार के मामलों को लेकर के देश को जागरूक करने के उद्देश्य से आप सबके लिए एक यूथ टॉक लेकर आया है, जिसे आप सबको सुनना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करना चाहिए। एजुकेशन हेल्प सोसाइटी के चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम युवा शक्ति देश सेवा के इस उद्देश्य में सफल भूमिका निभा सकें।